हीरो स्प्लेंडर BS6 बाइक है, और इसमें अपन साइड स्टैंड को किस प्रकार से बाईपास कर सकते हैं, और इसमें अलग से भी एक फीचर ऐड कर दिया गया है। जैसा कि साइड स्टैंड को जैसे ही लगा रहता है और उस पोजीशन में साइड स्टैंड लगा रहेगा और बाइक में गियर डालकर आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो उस पोजीशन में अपनी बाइक बंद हो जाती है। तो ये कई कस्टमर के लिए तो सही है, लेकिन कहीं जो अपने गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जो किसान भाई है, तो उनके लिए ये एक समस्या का विषय बन जाता है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर का अलग अलग रिव्यू आता है इसके बारे में कि भाई ये मेरे लिए सही है या फिर मेरे लिए ख़राब है। तो इसको किस प्रकार से बाईपास करते हैं, और जो इसमें व्हीकल स्पीड सेंसर लगा होता है, जिससे हीरो स्प्लेंडर BS6 में जो i3S में जो बाइक आएगी उसी के अंदर जो VSS सेंसर लगा होता है, व्हीकल स्पीड कंट्रोल सेंसर, तो उसके बारे में बताएंगे और उसको अपन किस प्रकार से बाईपास कर सकते हैं ताकि जो साइड स्टैंड लगा रहे उस पोजीशन में अपन बाइक को रन करवाने की कोशिश करें, यानी कि गियर डालकर आगे करें, तो उस समय अपनी बाइक बंद ना हो और सही से काम करती रहे। तो ये i3S के आधार पर काम करता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा दूं कि इसमें जो VSS सेंसर लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है, और ये i3S के माध्यम से काम करता है। जो भी i3S वाली बाइक होगी BS6, उसी के अंदर ये लगा होगा। अपने साइड स्टैंड होता है उसको किस प्रकार से बाईपास करें, जो इसमें यहाँ पे जो ये सेंसर लगा होता है इसको किस प्रकार से बाईपास करें, तो इसको बाईपास करने से कुछ नहीं होगा। मेन रोल होता है इसमें इसके VSS सेंसर का, जिसे बोलते हैं व्हीकल स्पीड सेंसर। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला, खासकर आफ्टर मैकेनिक भाइयों के लिए। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा दूं, ये है अपने पास BS6, और मैं इसका इग्निशन ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इस साइड स्टैंड की है, यहाँ पर i3S की है, और न्यूट्रल, और ये माल फंक्शन लाइट। क्योंकि जैसे ही बाइक में साइड स्टैंड लगा रहता है तो उस कंडीशन में अपन बाइक को रन करवाने की कोशिश करते हैं या बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं गियर में डालकर, तो अपनी बाइक बंद हुई जाती है। तो उसको अपने को किस प्रकार से बाईपास करना है, वो कैसे होगा और उसमें क्या करना होता है, तो ये अपने पास है ये कपलर। तो ये देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर OPD स्कैनर कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये इसका VSS सेंसर होता है उसका है, और ये यहाँ पे सेल्फ का आ गया, और ये यहाँ पे मैंने जो इसकी इंजन अर्थ कोयल होती है उसका आ गया, ये फ्यूल टैंक का आ गया, और ये वाला देख रहे हो जो इसके साइड स्टैंड जो बत्ती जलती है उसका है, और यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप, ये इसके जो ब्रेक पेडल होता है वहाँ पे ब्रेक स्विच लगा होता है उसका है। तो आपने इनके बारे में तो जान लिया, तो अब जान लेते हैं इसके बारे में कि ये किस प्रकार से अपने को इसको बाईपास करना है। तो उसको बाईपास करने के लिए अपने को जो ये वाला कपलर होता है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक तो है यहाँ पे ग्रीन, थोड़ा बहुत रेड, और यहाँ पे एक है वाइट कलर में। तो ये किस सेंसर का है, और अपन जो कि यहाँ पे इसका साइड स्टैंड सेंसर लगा होता है, इसको अपन किस प्रकार से बाईपास कर सकते हैं ताकि अपन जब भी बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो बाइक बंद ना हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर हर किसी को नहीं होती है, कहीं कहीं जो कस्टमर होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपन गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के अंदर किसान भाई ये हर एक, तो उनको जो साइड स्टैंड लगा रहता है और बाइक को कभी भी रन करवाने की कोशिश करते हैं, या फिर मान लीजिए भविष्य के अंदर जो साइड स्टैंड सेंसर है वो ख़राब हो जाए, तो आपको उसको किस प्रकार से सही करना है। जो आप ये वाला कपलर देख रहे हो ये किसका है, तो इसमें एक व्हीकल सेंसर लगा जिसे बोलते हैं VSS, व्हीकल स्पीड सेंसर, जो कि अपने यहाँ पे लगा होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो ये वाला वायर आ रहा है यहाँ पे लगा होता है, तो वो मैं आपको सही से दिखा नहीं पाऊँगा, उसकी इमेज मैं आपको अलग से स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि हर एक मैकेनिक भाई उसके बारे में नहीं जान पाता, खासकर आफ्टर मैकेनिक भाई जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, और वो जो कि BS6 बाइक में आने वाले फॉल्ट को मान लीजिए भविष्य में ये खराब, ये i3S के आधार पर काम करता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा पाऊँ, तो मैं सबसे पहले बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसका इग्निशन ऑन किया है, यहाँ पर
साइड स्टैंड बत्ती जली हुई है, I3S है, न्यूट्रल है और इसकी माल फंक्शन लाइट है। तो सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, ये देख सकते हो, और ये बाइक क्लच दबा लेता हूँ और मैं इसको गियर में डालता हूँ और मैं इसका क्लच थोड़ा थोड़ा छोड़ता हूँ इस प्रकार से, ये देख सकते हो, तो बाइक बंद हो जाती है। यानी कि जो साइड स्टैंड लगा होता है तब अपनी बाइक आगे नहीं बढ़ती और बंद हो जाती है। तो उस केस में करना क्या होगा अपने को, तो इसका जो साइड स्टैंड सेंसर है उसको बाईपास करने के लिए अपने को जो इसका यहाँ पे VSS सेंसर लगा होता है, व्हीकल स्पीड सेंसर, तो इसको अपने को बाईपास करना है। तो जो हमारे आफ्टर मैकेनिक भाई है तो इनके बारे में उनको भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, जो इसका ये वाला कपलर है इसको यहाँ से दबाने वाले हैं थोड़ा बहुत, और इसको यहाँ पे बाईपास कर लेते हैं। और उस कंडीशन में अपन क्या करने वाले हैं, अब बाइक को जो यहाँ पे स्विच है इसको ऑन करते हैं। I3S की लाइट जल गई यहाँ पे, और न्यूट्रल में बाइक, ये भी न्यूट्रल में है बाइक, और मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ये देख सकते हो। और जैसे मैं इसका क्लच दबाता हूँ, साइड स्टैंड लगा हुआ है, और बाइक को मैं गियर में डालता हूँ, तो ये देख सकते हो, और मैं इसका जैसे ही क्लच छोड़ता हूँ तो ये देख सकते हो, और जैसे ही मैं इसका पूरा क्लच छोड़ देता हूँ तो अपनी बाइक का जो पहिया है वो घूमता रहता है और अपनी बाइक स्टार्ट है। यानी कि ये गियर में इस टाइम, तो ये देख सकते हो मैं सेकंड गियर लगा देता हूँ, थर्ड लगा देता हूँ, और इसी प्रकार से मैं इसमें फोर्थ गियर लगा देता हूँ। तो ये देख सकते हो बाइक स्टार्ट है, और फिलहाल के लिए मैं इसमें गियर निकाल देता हूँ। तो ये देख सकते हो न्यूट्रल में आ चुकी है बाइक। तो इस प्रकार से आप जो इसका साइड स्टैंड सेंसर है उसको बाईपास कर सकते हो। तो इसमें मेन रोल होता है जो इसका VSS सेंसर लगा होता है, व्हीकल स्पीड सेंसर, तो उसी से कंट्रोल होती है और वही इश्यू को सिग्नल देता है कि अपनी बाइक का साइड स्टैंड लगा हुआ है और अपनी बाइक धीमी गति में है। तो उस टाइम ये करता क्या है, जो अपना ECM है वहाँ पे सिग्नल भेजता है और वहाँ से उसको कट ऑफ कर देता है, जो इसका मेन करंट होता है वहाँ से कट ऑफ कर देता है और अपनी बाइक में आगे करंट नहीं आ पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि अपनी बाइक बंद हो जाती है, कभी भी साइड स्टैंड लगा होता है तभी भी अपनी बाइक बंद हो जाती है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसमें मैंने आपको 3-4 बातें क्लियर की कि यदि आपका जो ये वाला सेंसर है ये ख़राब हो जाएगा तभी भी आपकी बाइक में करंट का इश्यू रह सकता है और इसको बाईपास करने से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इस प्रकार से जो साइड स्टैंड से परेशान हो, यानी कि इस सेंसर से और साइड स्टैंड लगा रहता है और बाइक आगे नहीं बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आप जो साइड स्टैंड का जो सेंसर है उसे बाईपास करवा सकते हो। तो इसमें मेन रोल होता है VSS सेंसर का। तो ये किस प्रकार से वर्क करता है और ये इसके I3S के माध्यम से वर्क करता है, तो आपने इस वीडियो में जाना कि जो अपना साइड स्टैंड है उसके सेंसर को अपन किस प्रकार से बाईपास कर